कंट्रोल रखिए, एक दिन आता हफ्ते में दो दिन उस दिन तुम लोग देखते हैं। जी सर बोलिए। एक है, मेरा नाम आनंद राजाध्यक्ष है। सवाल यह है कि राष्ट्रीय स्थिति के स्थिति में बदलाव के लिए सोशल मीडिया क्या कर सकता है आपके हिसाब से? सर जो बात मैंने कही केवल वही कर सकता है कि अफवाहें फैलाने का माध्यम कहलाने के बजाय छूट गए तथ्यों को सामने लाने का माध्यम बने सोशल मीडिया पर, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। और एक बात है, जैसे आपके पैनल डिस्कशंस में मौलाना बोले ना लोग आते हैं सब अपना मुद्दा रखने के लिए, कभी आरिफ मोहम्मद खान जैसे लोगों को कभी सिक्योर नहीं बुलाते? बिल्कुल बुलाते, अक्सर बुलाते, लेकिन उनका घर बुलंदशहर है, आने के लिए उनको डेढ़ घंटा लगता है, उनकी उम्र और उनकी जो परिस्थिति होती है उस दिन की, वो कई बार अलाउ नहीं करती कि हम उनके घर को भी मैं भेज दें या वो हमारे घर आए, लेकिन तयशुदा प्रोग्राम जिनके हफ्ते भर पहले से रिकॉर्डिंग का समय हो जाता है, अपने कार्यक्रम के साथ पता है खतवा उसके लॉन्चिंग एपिसोड में उनको बुलाया, क्लोजिंग एपिसोड में उनको बुलाया, क्योंकि हमें लगा उनसे बेहतर पढ़ा लिखा सम्मानजनक सरदार मुसलमान नहीं हो सकता जो कि कॉन्टेम्प्रेरी और ओल्ड मुस्लिम इस्लामिक फिलोसफी को सामने रख सकता, तो हमने बुलाया और बीच में भी बुलाते हैं तारक मसूद को कनाडा से लेके आए हम, क्योंकि हमें लगा आपके भाई का विचार जो है वो आना चाहिए सामने, बहुत लोगों को बुरा भी लगा, धमकियां भी दी, डराया भी, धमकाया भी, शिकायतें भी, कानूनी नोटिस भी भेजे, लेकिन चला है ना,